दोस्तों जय बीएलसी, जय बीएलसी। दोस्तों मैं आज बड़ी खुशी के साथ एक्सप्रेस करने जा रहा हूं कि इंडिया मल्टी लेवल मार्केटिंग को पसंद कर रही है और इसे बढ़ावा दे रही है। अब तो यह सिलेबस में भी लागू हो गया, पढ़ाई भी इसकी हो रही है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है और इसे पैसे कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों विदेशों में इससे बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं और निश्चिंत हैं, उससे कई फायदे हैं, उसको लोग कर रहे हैं और काफी इनकम कमा रहे हैं। तो हम लोग भी इंडियन होकर के इसको आगे बढ़ाएं और इसमें हम लोग बिजनेस को करके और उसी तरह से पैसे कमाए जैसे विदेशों में लोग कमाते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए दोस्तों सर्विस प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सर्विस हो, सबके लिए संभव नहीं है, सबको नहीं मिल पाता है। और कम से कम पढ़े लिखे लोगों को तो नहीं मिलता है, अनपढ़ को तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि अनपढ़ लोग भी इसको करके और पढ़े लिखे लोगों के जैसा उससे भी ज्यादा इनकम कमा सकते हैं और ये रास्ता ऐसा है जो करोड़पति बना सकता है। दोस्तों इस बिजनेस को धीरे धीरे करने से कैसे आपको इनकम आता है यह मैं थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़ी चर्चा इस पर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि क्या क्या थ्योरी है मल्टी लेवल मार्केटिंग का। मल्टी लेवल मार्केटिंग इसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड भी कहते हैं। इसी तौर तरीके से आजकल हम लोग बाजार नए ढंग का बाजार करने जा रहे हैं और पैसे कमाना शुरू करने जा रहे हैं। इससे हम लोग बिजनेस को करते हैं, मुझे कुछ दिन हो गया करते हुए और इससे मैं पैसा थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू कर दिया हूं। तो आप लोग भी इसको थोड़ा समझे कि यह क्या चीज है। दोस्तों अभी तक जो हम लोग मार्केटिंग करने जा रहे हैं, करते आ रहे हैं, यह सदियों से जब से मार्केट बना किसी भी देश में, इंडिया हो या विदेश हो, मार्केट जब बना तो वहां से लेकर और आज तक कई पीढ़ियां गुजर गई और सबने अपने डेली यूज का सामान खरीदा, कपड़े से लेके खाने पीने की चीजों तक डेली यूज सुबह से शाम तक के सामानों को खरीदा और उसमें सारे अपनी कमाई के पैसे डाला और पुराने ढंग के जो बाजार अभी तक चले आ रहे हैं उस तरीके से डालते गए और हमें केवल सामान मिला लेकिन बाजार से हमें कोई प्राप्ति नहीं मिली, इसलिए हम लोग का सारा पैसा बाजार में गुम हो गया। हम लोग गरीब हैं, आज हम लोग गरीब कहलाते हैं। लेकिन इस तरीके से, नए तरीके से अगर हम लोग बाजार करते हैं तो जो पैसे गुम हुए हैं आज से वही प्रक्रिया उल्टी हो रही है कि जो गुम हो रहे हैं उनको अब वापस लेने का, यानी बाजार से पैसे छीन लेने का, मेरा जो हक है वो ले लेने का, यह प्रक्रिया इसमें चालू होता है। तो देखें कैसे हम लोग इससे पैसे लेते हैं। तो जैसे जैसे हम कई हजार डेढ़ वर्ष बीत गए और आज हम गरीब हैं तो अब यह उल्टी प्रक्रिया चल रही है कि कुछ वर्षों तक अगर हम इस बिजनेस को तरीके से करते रहें, इस सिस्टम से करते रहें, तो जो गरीबी हमारी आई है वो अमीरी में बदलती जाएगी और जो इस विधि से बाजार करेंगे उनकी अब गरीबी नहीं आएगी बल्कि अमीरी का रास्ता पकड़ करके उस सिस्टम के द्वारा अमीरी आएगी और उन्हें भी चार चक्के, उन्हें भी अच्छे मकान, उन्हें भी अच्छी सैलरी, उन्हें भी महीने में अच्छी इनकम आएगी और अच्छा से अच्छा जीवन बिता सकेंगे। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझा जाए, पुराने ढंग के बाजार में होता क्या था कि एक निर्माता होता था, प्रोड्यूसर होता था, प्रोडक्शन करता था, माल बनाता था, कंपनी वाला कोई भी माल बनाता था, अपने डेली यूज का सामान बनाता था और वह सबसे पहले गवर्नमेंट को 40% में तो खुद वह माल बना के तैयार करता था और 10% तो गवर्नमेंट को टैक्स देना मजबूरी था। इतना करने के बाद वह C&F को देता था, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देता था, फिर वह माल होलसेलर को देता था और तब हमारे गांव में जो रिटेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, दुकानदारों के पास वह माल, गुमटी हो या बाजार हो, बड़ा सा बाजार हो या छोटा बाजार हो, गुमटी हो या बड़ा सा दुकान हो, वह रिटेलर कहलाता है। तो वहां माल आ जाता था और वहीं से हम कंज्यूमर हैं यानी खरीदार हैं तो हम वहां से माल अपना खरीदते थे, इनसे खरीदते थे, रिटेलर से। दोस्तों 40%
निर्माता का जो लागत है 10% गवर्नमेंट को टैक्स उसने दिया, 50% तो इसने रियल में यहां खर्चा कर दिया। अब कंपनी क्या करती है, हम देखते हैं कि वही 40 रुपए की चीज अब यहां हमारे पास 100 रुपए हो जाती है, यानी 100% पर हम उसको खरीद रहे हैं, 100 रुपया हो जाता है यहां पर आकर के। तो दोस्तों 40 रुपए की चीज जब 100 रुपया हो जाता है, इस पर हमको खरीदना ही पड़ता है, तो बीच में ये 50 रुपए जो है, यानी 50% जो है वो हमारा कहा जाता है। तो इन लोगों के पास दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन करके एडवर्टाइज भी इसमें जुड़ा हुआ है, एडवर्टाइज भी इसमें किया जाता है, ऐड किया जाता है, मोटा पैसा तो यही लेता है, 30% तो यही खींच लेता है, बाकी जो बचते हैं सो इन लोगों को 1-1.5% करते हुए यहां तक पहुंचना पड़ता है। तो दोस्तों मार्केट में यह तो आवश्यक है, यह भी जरूरी है, लेकिन इतने सारे प्रोसेस को काटा जा सकता है और इस पैसे को बचाया जा सकता है। ये रुपया हमारे बाजार में गुम होता रहा है और इससे हम लोग काफी गरीब हैं, क्योंकि दूना दाम दे करके हम सामान को 100 रुपए में खरीदते हैं। दोस्तों नए मेथड में क्या हुआ है कि इस रुपये को बचा करके मल्टी लेवल मार्केटिंग में वही निर्माता है, वही कंपनी है, 40% में अभी भी तो माल बनाती है, गवर्नमेंट को टैक्स देती है 10%, अभी भी वो चलता है, लेकिन एडवर्टाइज नहीं करवाता है और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को उसने हटा दिया है, दुकानदार को जो है अपना दुकानदार बना करके, निजी एक दुकानदार रिटेलर को बना करके एक दुकान कंपनी का खुलवा देता है और उसको काफी अच्छा इनकम देता है, और हम कंज्यूमर अभी भी 100% में ही खरीदते हैं, यानी 50 रुपए की चीज 100 रुपया में अभी भी खरीदते हैं, लेकिन बीच में ये बिचौलिए गायब है तो इनका सारा पैसा बच जाता है। तो जो एडवर्टाइज करने वाले एडवर्टाइजर हैं, जैसे हीरो हैं, हीरोइन हैं, उन लोगों के पास जो पैसा जाता था वो अब हम प्रचार करेंगे, हम कंज्यूमर हैं, हम रियल सामान को, एक नंबर का नंबर वन सामान को यूज करेंगे और उसके गुण को, उसके क्वालिटी को हम लोगों में बताएंगे, आसपास अपने एरिया में बताएंगे, और बताने में जो हमारा इनकम होगा वो हमारा एड का इनकम हो जाएगा। ये हमने लिया है और ये तो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई हीरो हीरोइन बहुत बढ़िया सामान यूज नहीं करता है जो प्रचार किया जाता है, ना अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लगाते होंगे और ना जूही चावला लक्स साबुन लगाती होगी, लेकिन कहते हैं कि मेरी सुंदरता का राज लक्स है, ये झूठी बातें करते हैं और 30% वो ले लेते हैं, लेकिन हम सच्ची बात करेंगे, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में नंबर वन का सामान होता है और उस टेस्टेड सामान होता है और कंपनी उसको तभी मानती है जब वह एक नंबर का हो। तो एक नंबर का माल हमको मिलेगा, ऊपर से ये पैसे हमारे हो जाएंगे, हम प्रचार करेंगे हम पैसे लेंगे, और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के सारे पैसे हमारे पास आएंगे, रिटेलर का जो खर्च है वो कंपनी दे देगी, और हमको बीच का जो जो पैसा है ये पैसा हम 50% को बचाकर अपने खाते में वापस पा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो पैसे हमारे गुम होते रहे आज तक, वो पैसे अब हमारे खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो इस सिस्टम का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि जैसे इस सिस्टम में जैसे हमको बगहा से दिल्ली जाना है, तो बगहा से दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन जाती है जो इस पर बैठ जाना होता है टिकट कटाकर और यहां पहुंच जाना होता है। तो दोस्तों सिस्टम बना हुआ है कि उसको जाना ही है, अगर हम बैठेंगे तो दिल्ली हम पहुंच ही जाएंगे, अगर नहीं बैठेंगे तो हम जहां है वहीं पर रह जाएंगे। तो दोस्तों अगर इस पैसे को पाना है तो इस सिस्टम में आना पड़ेगा, इस सिस्टम से बाजार करना पड़ेगा। करना क्या है, जैसे इसमें हम सामान खरीदते थे वैसे इसमें भी सामान खरीदना है, केवल दुकान बदल देनी है, पुराने ढंग के मार्केट से न लेकर मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो यह रिटेलर है, दुकानदार है, उसके पास जाकर के और नगद पैसे देके सामान को खरीदना है और इतने सारे पैसे अपने खाते में वापस ले लेना है, बस यही सिस्टम है, यही दोनों में डिफरेंस है। दोस्तों ये हमारा खोने वाला यानी गरीब बनाने वाला मार्केटिंग है, लेकिन ये हमारा मार्केटिंग पैसे देने वाला, यानी इसके जो सामान है वो लक्ष्मीनिया सामान है, उनमें लक्ष्मी का वास है, पैसे आते हैं, इसके साबुन से नहाने से पैसे झड़ते हैं, इसके बिस्कुट चाय को लेने से पैसे झड़ते हैं, इससे जो है अगर हम धनिया और जीरा मरीच और जो भी
आटा या चावल खरीदेंगे जो हमारे कंपनी में आ रही है, वो सब जो है इससे पैसे झड़ते हैं। तो इससे मार्केटिंग करना अच्छा है कि इससे मार्केटिंग करना अच्छा है? इससे अच्छा है, ये अच्छा है। तो ये जो है यही मेथड आजकल संसार में वर्ल्ड में जितने प्रगतिशील देश हैं वो अपनाते हैं और वो मस्त रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी खूबियां हैं, इसके रिटेलर को जब ये दुकान खोलेगा तब पैसे मिलेंगे, लेकिन दुकान खोलेगा सुबह से शाम तक तो पैसे मिलेंगे, लेकिन ये जो है ऐसा है, यह बिजनेस ऐसा है कि जितने लोग इसमें ज्वाइन करते हैं वो सब लोग सामान को यूज करते हैं इस रिटेलर के यहां से, और नेट बढ़ता जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं, खरीदार बढ़ते जाते हैं, और सबों से एक रिलेशन जोड़ दिया गया है आजकल नेट सिस्टम से कि सभी कंप्यूटर पर जुड़े हुए हैं और सबों से ऊपर वाले पहले जो जिसने ज्वाइन किया सीनियर जो थे उनको पैसे मिलते जाते हैं और थोड़े थोड़े सबको मिलते जाते हैं। सिस्टम की देन है कि सबको, सबने मेहनत किया इसलिए सबको थोड़े थोड़े पैसे मिलते जाते हैं। दोस्तों इस बिजनेस से अमीर बनना थोड़ा कठिन तो है लेकिन इससे अमीर बनना बहुत आसान है। कैसे कि एक पेड़ है उस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं और दो चार दस लड़के यहां पर बैठे हुए हैं, तो फल को तोड़ना चाहते हैं, आम फला हुआ है और पक भी गया है लेकिन इतना ऊंचा है कि एक आदमी उसको तोड़ नहीं सकता, कम से कम 10 फुट की दूरी ऊंचाई पर है, और लड़के 5-6 लड़के केवल देख रहे हैं कि वो मिल जाता तो अच्छा होता, ये मिल जाता तो अच्छा होता, ये भी आम पका हुआ है मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन दोस्तों ये लोग हाथ बढ़ाते हैं पहुंचने की कोशिश करते हैं, जब भी मारते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता है। तो दोस्तों ऐसे ये लोग मेहनत कर रहे हैं शरीर से बहुत पसीना पसीना हो जा रहे हैं, कूद रहे हैं, पार रहे हैं, नहीं मिल रहा है, लेकिन एक अगर नेटवर्कर आकर कहे कि मैं बुद्धि बताता हूं कि वो सारे आम तुम्हारे हो जाएंगे, कैसे कैसे हो जाएंगे बताइए, तो नेटवर्कर कहता है कि आपका पेड़ वही रहेगा और फल भी वही रहेंगे, 5-6 लड़के भी वही रहेंगे, लेकिन जिस पुराने तरीके से आप फल को पाना चाहते हैं आपको नहीं मिलेंगे, मैं बताता हूं कि कैसे मिलेंगे, सभी मिलेंगे और सभी आम खाएंगे, मैं खिलाता हूं, कैसे? तो नेटवर्कर कहता है कि ए बच्चे तुम खड़े हो जाओ, दूसरे बच्चे तुम इसके कंधे पर चढ़ जाओ, तीसरे बच्चे इसके कंधे पर चढ़ जाओ, चौथे बच्चे इसके कंधे पर चढ़ जाओ और झोरी लेके दोनों हाथ में चढ़ो क्योंकि सारा फल तुम्हें तोड़ लेना है और ये सभी झोली में लाके यहां पर पार्टी करो और खूब आम खाओ। दोस्तों जिस अमीरी को इस सिस्टम से हम लोग नहीं पा सकते हैं, बहुत कठिन परिश्रम पर भी नहीं होता है, लेकिन इसमें एक एक लोग एक एक कंज्यूमर जुड़ करके डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ करके और इस मंजिल को अमीरी को पा सकता है, तो ये अच्छा है कि ये अच्छा है। तो दोस्तों बहुत सी खूबियां इसमें है, इसकी जो खामियां है उसको दूर किया गया और इसमें जो खूबियां है उसको लाया गया है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि एक आदमी इसमें ज्वाइन करके अपना आईडी प्राप्त कर लेता है और उसके साथ 4 लोग और जुड़ जाते हैं, वो भी अपना आईडी प्राप्त कर लेते हैं और अपने आईडी पर खरीदारी करने लगते हैं। दोस्तों ये भी 4 आदमी को 4-4 करते हुए चले जाते हैं और धीरे धीरे यह नेट बहुत बड़ा होता चला जाता है। कुछ दिनों ये तो करने के ऊपर है जो जितना फास्ट कर सके, कुछ दिनों में यह नेट इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें से 1% भी अगर इनको मिलता है तो ये अमीरी की तरफ पहुंच जाते हैं। दोस्तों अगर ये काम नहीं भी कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो भी ये लोग कहीं ना कहीं खरीदारी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं और काम हो रहा है, यह चलता जाएगा, सिलसिला चलता जाएगा और यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलने के बाद, इस बिजनेस में यही खूबी है कि पहले इसका ग्राफ कहता है कि पहले टाइम जो है इस पर अगर चल रहा है और इनकम इस पर चल रहा है, इनकम हम इस पर बढ़ाएं और ग्राफ करें कि टाइम जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है वैसे वैसे इसका इनकम भी धीरे धीरे बढ़ता है। शुरू शुरू में टाइम जो है एक समझ लिया कि 2 महीने तक इनकम थोड़ा सा आया, 4 महीने के बाद इनकम और थोड़ा सा बढ़ा, 5
छह के बाद और बढ़ा, आठ महीने में और बढ़ा, एक साल में कुछ और बढ़ के बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे समय बदलता है बढ़ता है, वैसे वैसे यह बिजनेस आगे बढ़ता है। एक ही बार नहीं होता है, जैसे कि हम आलू बोते हैं गन्ना बोते हैं तो आज ही बोते हैं और आज ही तो गन्ना पैदा नहीं हो जाता है, आज ही तो आलू पैदा नहीं हो जाता है, आज ही तो आलू धान की बाली नहीं लटक जाती है, उसमें भी समय लगता है। तो इसको भी, इस बिजनेस को जो सिस्टम है, तौर तरीका है, उसको सीखना चाहिए और सीख करके धीरे धीरे इसको उसी सिस्टम से करना चाहिए। तो छ महीना साल भर जो भी लगे उसके बाद से इसमें से पैसे आने लगते हैं। तो दोस्तों जैसे और सारे बिजनेस हैं, थैंक यू दोस्तों, जैसे और सारे बिजनेस हैं उनको पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है, उसी तरह से थोड़ा सा इसको भी पोस पाल करके इसके सिस्टम के तरीके से सीख करके इसको करें। तो नया सिस्टम है इसलिए सीखना पड़ता है। कैसे सीखना पड़ता है, हमारे जो गुरु लोग हैं वो बताते हैं, इस बिजनेस के जो गुरु हैं जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं वो बताते हैं कि कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मैं इस नेट के बारे में जो बताया उसको इस महीने में, मार्च महीने में कंपनी ने एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट दिया है, कंपनी ने अचीवमेंट दिया है, टारगेट हम लोग को दिया है कि अगर आप यहां ज्वाइन कर लेते हैं और 5000 की खरीदारी, कंपनी का नाम बताइए दोस्तों, इस कंपनी का नाम है जो इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्योरी से चल रहा है, उसका नाम है BLC कंपनी का नाम है, BLC प्राइवेट लिमिटेड, और BLC प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है दोस्तों, और यह भोपाल में इसका भी हेड ऑफिस है और भोपाल से यह गाइड हो रहा है, और इसमें सुबह से लेकर शाम तक के सारे सामग्री हैं। इसमें दवाई भी है, हेल्थ वर्धक स्वास्थ्य वर्धक पाउडर भी है और बहुत सारे खाने की चीजें भी हैं, और साथ में सुबह से लेकर शाम तक का जितना भी हम लोग यूज करते हैं, टूथपेस्ट से लेकर के और साबुन सर्फ और इत्यादि, हल्दी मिर्चा मसाला, किचन की सारी सामग्रियां ये सभी आ गई हैं, और प्रसाधन की सामग्रियां टॉकम पाउडर और चेहरे पर क्रीम लगाने वाली सब और मॉइस्चराइजर वगैरह ये सब भी आ गए हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे भी इस दुकान से भी खरीदते हैं, इस दुकान से भी खरीदना है, केवल दुकान को बदल देना है और इसी से आपके घर में पैसे आने लगेंगे। दोस्तों अगर इसका सिस्टम क्या है कि अगर 5000 की खरीदारी आप इस महीने में, मार्च महीने में कर लेते हैं, और तो आप हो जाते हैं सुपर स्टार, और यह पिन आप अचीव कर लेते हैं। अगर आप चार लोगों को और ज्वाइनिंग करवा के और 5000 की खरीदारी सबका करवा देते हैं तो आप हो जाते हैं डायमंड हो जाते हैं। दोस्तों यह डायमंड का पिन आप ले लें इस महीने में, और अगले महीने में तो धमाल मचने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट अगले महीने में और कंपनी उतार रही है, और 250 से ज्यादा प्रोडक्ट जो है आने को एकदम तैयार है। वो हर महीने जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे सामान आने वाले हैं, पीन से लेके कांटी से लेके हथौड़ी तक सब आपको मिलेगा, और चावल आटा घी तेल ये सारे चीजें जो है वन बाई वन आता जा रहा है दोस्तों, और आपको तो खरीदना मजबूरी है, मजबूरी में आपको ये सामान खरीदना है, हल्दी मिर्चा मसाला तेल आपको यूज करना है, नहीं चाहते हुए करना है, इसीलिए नहीं चाहते हुए भी पैसे आपके खाते में ही आएंगे, आप बुलाए या ना बुलाए इससे आने वाले पैसे आपके खाते में पहुंच जाएंगे, कंपनी आपको पहुंचा देगी। दोस्तों जो हम लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं और उसमें हमारा रिटर्निंग जो मिलता है वह रिटर्निंग भी इसमें कंपनी देने के लिए वादा की है, हाँ कंपनी वादा की है, और ये कंपनी जो है दोस्तों अभी तक कोई कंपनी रिटर्निंग हमारा वापस नहीं करवाती थी, लेकिन ये जो हमारे रिटर्निंग को भी वापस करवा रही है, हर 3 महीना पर ये रिटर्निंग हम लोग के अकाउंट में आएगा, ये किसी कंपनी ने आज तक नहीं किया था। तो दोस्तों ये हम कंज्यूमरों के लिए और डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए और यूज करने वाले यूजरों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने हमारे लिए सोचा, हमारे भविष्य के लिए सोचा। प्रोविडेंट फंड हमारे लीडर ने कहा है, कंपनी के जो मैनेजर मैनेजमेंट ऑफिसर लोग हैं उन्होंने कहा है कि एक और चीज हम दे रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड
इसमें काम करने वाले लोगों का प्रोविडेंट फंड बनने जा रहा है, जो भविष्य निधि के रूप में ये इनकम देगा, जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं। तो दोस्तों मुझे सभी कंपनियों से अच्छा बीएलसी लग रहा है, क्योंकि बीएलसी से हम लोग को जिंदगी संवारने का और जिंदगी को सेटल करने का और सुखदायी बनाने का भी प्रोसेस इसमें हम लोग को मिल रहा है, ये किसी कंपनी ने आज तक नहीं दिया है। दोस्तों 5-5 हजार की खरीदारी करके अब ये हो गया है 25,000, तो 25,000 पर आप डायमंड बन जाते हैं, और इसी तरह से इन सब लोगों को बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे आपका भी नसीब होता जाएगा, और कंपनी यहां से आपको कार फंड देने लगेगी, आपका जितना आप मोटरसाइकिल से यात्रा करेंगे उसका जो है जर्नी फंड देगी, और डायमंड बनने के बाद दोस्तों आपको साल में 2 बार टूर पर भेजेगी, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। तो दोस्तों इसी बहाने आप बीएलसी के सारे सुपर स्टार डायमंड सब लोगों से मिलते रहेंगे, और ऊंचे ऊंचे पीने रिसीवरों से आपकी मुलाकात होगी, और आप देखेंगे कि वो लोग कैसे इस हल्दी मर्चा नमक साबुन से पैसे कमा करके आज अमीर हैं, और आपको सबूत मिल जाएगा कि इसमें जो नहीं हो सका वो इसमें होगा। दोस्तों इसका सेक्टर खुलता है तो पैसे आते हैं, इसका सेक्टर से कोई मतलब नहीं है, यह जो है पूरे ऑल इंडिया में आपकी दुकान कही जाती है, और आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर कहे जाते हैं, आप कंपनी के शेयर होल्डर कहे जाते हैं, इसलिए 1-1% और जैसे जैसे आप ये बढ़ाएंगे 1-1% करके आप शेयर होल्डर हैं, तो शेयर आपका शेयर जो है कंपनी देती रहेगी, पूरे अपने कंट्री का, अभी तो कंपनी कंट्री में काम कर रही है, पूरी कंट्री का जो टर्नओवर होता है उसका 1-1% करके आपको पिन के ऊपर बढ़ाती जाएगी, जो भी पिन रिसीव करेंगे आप बढ़ रहे हैं, इसलिए आपका ये कभी आमदनी भी बढ़ रही है, तो आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए आपको 1-1% बढ़ा करके आपको नवाज रही है कि आप देखिए आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आपको मैं शेयर दे रहा हूं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इससे तो हम अगर 10 रुपया का साबुन खरीद रहे हैं तो रिटेलर को 50 पैसा से लेकर 1 रुपया तक इनकम आता होगा, लेकिन इसमें 3-4 रुपया से ज्यादा ही आता है, तो रिटेलर को भी फायदा है, कंपनी भी दे रही है, और वो खुद अपना खुदरा बेचक बिक्री कर रहा तो भी इनकम कर रहा है, और ये सारे लोगों का पैसा हमारे खाते में आकर के ये लोग घूमते हैं गाड़ी में, और हम तो कंज्यूमर हैं, कष्ट से मर रहे हैं, अंग्रेजी में इसको कस्टमर भी कहते हैं, कष्ट से मरने वाला, तो कंज्यूमर भी कहते हैं कि कम जिए ज्यादा मरे, जीता है कम मरता ही है ज्यादा, ये गरीबी के बोझ से और महंगाई के बोझ को से दब करके जीता तो है कम मरता ही है ज्यादा, इसलिए इसको कंज्यूमर भी कहते हैं, और कस्टमर इसलिए कहते हैं कि वो कष्ट सह सके मर जाता है, और माल कौन उठाता है, मजा कौन करता है, ये बीच में बिजनेसमैन जो कहलाते हैं ये गाड़ियों में घूमते हैं, और मोटे ताजे लोग, स्वस्थ लोग, पैसे से मोटे और खाते में दुनिया भर के आमदनी, ये लोग मजे करते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें अब कंज्यूमर मजा करेगा, कंपनी माल बनाएगी, यह बीएलसी कंपनी थोड़ा सा इनकम ले रही है अपना, और कंज्यूमर को अपने से ज्यादा इनकम दे रही है। दोस्तों इसीलिए हमें यह बहुत अच्छा लगा, और मैंने बीएलसी करके आज पैसे कमाए, और हमको अच्छा लग रहा है कि लगता है सिस्टम में बहुत सारे पैसे हैं जो हमको मिलने वाले हैं, तो मैं इसे करता चला जा रहा हूं। कैसा लगा दोस्तों? बहुत बढ़िया सर। तो ये चीज करना दोस्तों बहुत आवश्यक है, और आप कीजिए इसको, और इस महीने में ये पीने चीज प्राप्त कर लीजिए, अगले महीने से सिस्टम बदल जाएगा, कंपनी का जो रूल रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन इस महीने में केवल 5,000 की खरीदारी ही हम लोग को सुपर स्टार और डायमंड और आगे पीने जीवन बना सकती है, तो इसीलिए कम समय है, जो भी समय मिला है उसी में हम लोग को ये पीन अचीव कर लेना है, और अगले महीने से प्रोडक्ट भी बहुत सारे उतर रहे हैं, तो खरीदारी भी बहुत ज्यादा होगी, और 5,000 से ज्यादा भी हम लोग खरीदारी करते चले जाएंगे, तो इस महीने में दोस्तों ये डायमंड तक जल्दी से पहुंचिए, और कंपनी में जाकर के कंपनी के इनविटेशन पर हम लोग सभी चलेंगे, और वहां पर स्टेज प्रोग्राम होगा, वहां पर एंजॉय करेंगे, और 2 अप्रैल को यह सेट किया गया है कि भोपाल में हमको चलना है, और सारे पीन एंजीवर वहां पर सम्मानित किए जाएंगे स्टेज पर, और वहां पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था और एंजॉय करने का पूरा
चूंकि हम लोग बिजनेस पार्टनर है इसीलिए कंपनी हम लोग की व्यवस्था करेगी और टूर जो है हम लोग को एक साथ चलना होगा। भोपाल से चल जाएंगे मनाली। हाँ, भोपाल से मनाली का भी प्रोग्राम इसी में हुआ है, तो गोल्ड वालों को ये अचीवमेंट मिलेगा और ये सुविधाएं मिलेंगी। कैसा रहा दोस्तों? बहुत बढ़िया सर। थैंक यू वेरी मच।